शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के आगे के अध्यायों को हम सभी देखेंगे कि जिसमें ध्यान योग की बातें चल रही थी। हम सभी ने छठे अध्याय के अंदर ध्यान योग किसको कहा जाता है उसके विषय में थोड़ी सी बातें आरंभ की हमने देखी, और फिर गीता के हिसाब से योग करने का सही तरीका क्या है। इतना ही नहीं, लेकिन जब योग लगाते हैं तो उसका अनुभव क्या होता है, इन सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। तो आज के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय में हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से देखेंगे कि गीता के हिसाब से भगवान ने योग में बैठने की विधि क्या बताई है, और उसके लिए जो कहा कि सबसे पहले तो शांत अंतकरण, भय रहित, कोई भी प्रकार का भय अंदर में ना हो, तो भय रहित ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को पवित्र एकांत स्थान में आसन लगा करके दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठ करके मन इंद्रिया तथा कर्मों को संयम में रखकर निराकार परमात्मा में मन बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र कर हृदय में शुद्ध भावना से योग अभ्यास करना चाहिए। मैंने सबसे पहली बात जो बताई कि शांत मन हो। व्यक्ति अगर टेंशन में बैठ करके अगर उस समय सोचे कि मैं योग करूं तो ये थोड़ा असंभव सा महसूस होता है या इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसलिए शांत अंतकरण, अंदर से मन थोड़ा शांत होना चाहिए, और कोई भय में आकर के परमात्मा में मन एकाग्र नहीं होता है। भावार्थ ये कि अगर किसी को भय है कोई ना कोई बात का, कि मान लो कि भगवान का ही भय हो, कई लोग भक्ति मार्ग में जैसे भय से ईश्वर को याद करते हैं कि कहीं भगवान का कोई श्राप न मिल जाए, भगवान हमारे पर कुपित न हो जाए, इसलिए याद करना चाहिए। तो मन के अंदर कोई भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, और आसन लगा करके सीधा बैठना है। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को
मैंने ये बात भी बहुत समझने की है कि योग अभ्यास करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की बहुत आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। इसीलिए परमात्मा ने हम सबको यही कहा कि योग का आधार योगी बनो, पवित्र बनो। तो जब तक ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होता है, उसका पालन नहीं होता है, तो योग मुश्किल हो जाता है। मन वेवरिंग होता है, इंद्रिया कंट्रोल में नहीं होती है, और जितनी इंद्रिया वेवरिंग है तो नेचुरल है कि मन की एकाग्रता लग नहीं सकती है। अब जैसे कहा कि आसन लगा करके सीधा बैठना, तो गीता के हिसाब से आसन माना कौन सा आसन, तो दो आसन विशेष माने गए हैं, पद्मासन ने अर्ध पद्मासन या सुखासन, ये तीन माना जाता है। अक्सर बड़े बड़े जो सन्यासी लोग होते हैं पद्मासन लगाते हैं, पद्म जैसा आसन, वास्तव में पद्म जैसा जीवन। पद्मासन का मतलब ये नहीं है कि पद्म आसन लगाना है, लेकिन हमारा जीवन पद्म जैसा, लाइक अ लोटस फ्लावर, पवित्र। अर्ध पद्मासन माना एक टांग ऊपर होती है, और सुखासन माना नॉर्मल पालथी मार करके हम बैठते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इसके पीछे का साइंस यही है कि शरीर से एनर्जी निकलने के तीन द्वार हैं। एक पैरों से एनर्जी खूब निकलती है, इसलिए पैरों को फोल्ड कर देना हर धर्म के अंदर है। हिंदू धर्म में जैसे सुखासन में बैठते हैं, या इस्लाम धर्म में वज्रासन में बैठते हैं पैर पीछे मोड़ करके, और क्रिश्चियन धर्म में इसीलिए चर्च में जाते तो नील डाउन करते हैं, यानी घुटनों से पैरों को मोड़ने का सिस्टम जरूर है। तो मोड़ने का सिस्टम हर एक धर्म में जरूर है कि वहां से जो एनर्जी निकल रही है उसको रोक लेना। दूसरा द्वार ये हाथ होता है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि भाई महात्माओं का चरणामृत पी ले हम, उसके चरण को धो करके वो ऊर्जा को जैसे कि पानी में ले लिया और वो हम पी लेने से हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। परमात्मा हमें समझाते हैं कि ऐसे किसी की भी बैटरी चार्ज नहीं होती है। या कई लोग इसीलिए चाहते हैं कि भाई आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर रखो, आशीर्वाद मिल जाए हमें तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसे आशीर्वाद कर लेने से भी कोई बैटरी चार्ज नहीं होती है। इसीलिए हाथों को जोड़ देते हैं कि जब जोड़ दिया तो वो ऊर्जा अंदर में फ्लो होने लगती है। और या तो योग की मुद्रा ये है कि लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और इस तरह से एनर्जी को फ्लो होने देना। और तीसरा द्वार है दृष्टि। तो भगवान ने हमें सर्वोच्च विधि सिखाई कि दृष्टि को खुला रखना, क्योंकि अगर तीनों द्वार बंद हो गए, आंखें भी बंद कर दी, तो जो फ्रेश ऊर्जा है, फ्रेश एनर्जी है, वो आएगी कहां से? जो पावरफुल एनर्जी है वो आएगी कहां से? ये तीन द्वार है और तीनों ही बंद कर दिया, तो इसीलिए एक द्वार खुला रखना है ताकि अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी निकल जाए, और जो पॉजिटिव ऊर्जा है ईश्वर की, मन की एकाग्रता से हम अंदर ले ले। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति किसी की आंखें देखता है तो आंखों से उसको पता चलता है ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, ये व्यक्ति की दृष्टि ठीक नहीं लग रही है। तो दृष्टि बता देती है कि व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है, सब स्पष्ट बता देता है। इसीलिए मेडिटेशन में नैनों को खुला रखना। वैसे भी कहा जाता है ईश्वर को कि हे प्रभु तेरी कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहे, तो प्रभु कृपा करेंगे दृष्टि द्वारा, तो
तो रिसीव करने वाला कहां से रिसीव करेगा? वो भी दृष्टि से ही रिसीव करेगा। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हुए आंखों को बंद कर देंगे तो फिर महसूस यही करेंगे कि पता नहीं मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन भगवान की ऊर्जा मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, वो शक्ति मुझे मिल नहीं रही है। तो इसीलिए कहा कि ये बैठने का पोस्चर है मेडिटेशन, ताकि मन की एकाग्रता सहज विकसित हो। बैठते ही जैसे मन की एकाग्रता विकसित होना आरंभ होती है। और फिर कहा कि दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन इंद्रियां तथा कर्मों को संयम में, उसको डिसिप्लिन में रखना जरूरी है। ये नहीं बैठने के बाद भी हिलते डोलते रहे, नहीं। तो मन इंद्रियों का कनेक्शन मन के साथ बहुत गहरा है। इंद्रिय अगर हमारी हिलती डुलती है तो मन भी वेवरिंग जरूर होगा। तो मन इंद्रिय तथा कर्म, अब यहां एक बात और बड़ी महत्व की बताई गई है गीता में कि कर्मों को भी संयम में रखना है। यानी कोई व्यक्ति बुरा कर्म करने के बाद आकर मेडिटेशन करना चाहे तो उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता है, उसका मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता है। तो मन की एकाग्रता को विकसित करने के लिए हमारे कर्म भी हमारे मन को या तो शांत करेगा या विचलित करेगा। इसीलिए कर्मों के को भी डिसिप्लिन में लाना जरूरी है। और फिर कहा निराकार परमात्मा, यहां बहुत स्पष्ट ये बात कही गई है कि निराकार परमात्मा में मन बुद्धि और दृष्टि तीनों को एकाग्र कर हृदय के अंदर शुभ भावना से योग अभ्यास करना चाहिए। कि उस समय ये नहीं कि हमारे मन में किसी के प्रति बुरी भावना हो कि हे प्रभु इसका बुरा हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, नहीं। हर आत्मा के प्रति कल्याण की कामना प्रवाहित होनी चाहिए। फिर और एक बात यहां बहुत सुंदर कही है आगे कि यह योग अभ्यास उचित आहार विहार, मना भोजन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेडिटेशन के लिए। इसीलिए भोजन की शुद्धता सात्विकता बहुत आवश्यक है। तब कहा ये योग उचित आहार विहार, जो कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने जाए तो भी ऐसे स्थान पर न जाए जो तामसिक तमो प्रधान, माना जैसे कहीं बार्स में जाते हैं, कहीं और जगह अशुद्धि, जहां अशुद्ध वाइब्रेशन हो। तो ऐसे स्थान पर जाने के बाद भी मन एकाग्र नहीं हो सकता है ना। तो उचित आहार विहार, घूमने भी कहां जाना है, आप बगीचे में जाओ जहां प्राकृतिक सौंदर्य है। इसीलिए पहले के योगी लोग भी जैसे हिमालय पर बैठ करके योग करते थे, पहाड़ों में बैठ करके, चाहे एक नेचुरल ब्यूटी हो, तो सात्विक वातावरण बहुत जरूरी है। तो उचित आहार विहार, भोजन भी सात्विक जितना होता है उतना मन सहज एकाग्र होता है। भोजन भी अगर अशुद्ध है, तामसिक है, और उसके बाद वो चाहे कि भाई मेरा मेडिटेशन हो, नहीं। तो अन्न का प्रभाव मन के ऊपर बहुत पावरफुल है। ये यहां भगवान गीता में अर्जुन को सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। और फिर कहा कि यह योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। संतुलित शयन जागरण, कहने का भावार्थ यह है कि मेडिटेशन के लिए एक बैलेंस स्लीप बहुत जरूरी है। बैलेंस स्लीप किसको कहा जाए, तो जैसे स्लीप मैनेजमेंट के अंदर ये बात बहुत स्पष्ट रीति से बताया जाता है कि हमारे स्लीप साइकल्स में होती है।
और एक स्लीप साइकिल करीबन 2 घंटे की आसपास होती है। तो हम जब सोते हैं तो 4 स्लीप साइकिल में सोते हैं। 4 स्लीप साइकिल आइडियल माना जाता है, खास करके जो बुजुर्ग है, बीमार है, उसके लिए। लेकिन जो स्वस्थ है उसके लिए भी 3 साइकिल्स तो बहुत जरूरी है, और 3 साइकिल्स माना कम से कम 6 घंटे की नींद आवश्यक है। तो 6 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद। अब यहां मैनेजमेंट के हिसाब से भी हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहें कि कभी भी आधी साइकिल नहीं सोया जाता है। और मान लो कि किसी ने आपको उठा दिया, आप सो रहे हैं, आपने फर्स्ट साइकिल कंप्लीट किया, सेकंड साइकिल कंप्लीट किया और थर्ड साइकिल में आप है, और थर्ड साइकिल में आधे में किसी ने झटका देकर के आपको उठा दिया, तो ऐसा ही है कि जैसे आपने प्लग किया हुआ हो, है ना, इलेक्ट्रिक सॉकेट में अगर प्लग किया हुआ हो कोई चीज और चालू सॉकेट में आपने निकाल दिया या उसको चालू सॉकेट में आपने डाल दिया तो क्या होता है, एक स्पार्क होता है। ठीक इसी तरह हमारी एक चार्जिंग साइकिल चल रही है और उस समय किसी ने झटका दे करके आपको उठा दिया तो यहां पर भी एक स्पार्क होता है। और कहा जाता है कि उसके बाद जो सिरदर्द चालू होता है वो सिरदर्द उतरता नहीं है, और क्योंकि हमने साइकिल कंप्लीट नहीं की है इसलिए जब बैठेंगे भी तो थोड़ी देर में ही नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा को वो साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए या तो 4 साइकिल्स हो, 6 साइकिल्स हो या 8 साइकिल्स हो, 8 घंटे की साइकिल्स हो, या 4 घंटे की या 6 घंटे की, 8 घंटे की, 5 घंटे की, 7 घंटे की, ये नहीं सोना है। ये अंदर नुकसान करता है और बैठने के बाद भी आपको मन करेगा सो जाओ, और कभी कभी इसीलिए झुटका आ जाता है। आप सोचेंगे रोज तो मैं फ्रेश होकर के बैठती हूं, आज क्यों झुटका आ रहा है, आज क्यों बार बार झुटका आ रहा है। उसका कारण ये है कि आपने स्लीप साइकिल को कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए झुटका आना स्वाभाविक है। तो जो 6 घंटे की साइकिल हम सोते हैं उसमें भी 1 साइकिल बिफोर मिडनाइट कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए आइडियल माना जाता है 10 बजे सोना। हमारी प्यारी आदरणीय दादी जी हमेशा कहती थी 10 माना बस, 10 माना बस, 10 बजे सो जाओ ताकि 12 बजे तक 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी, फिर 12 से 2 दूसरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और 2 से 4 तीसरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कहा राउंड अबाउट 2 आवर्स, तो लगभग 3:30-4 बजे आपकी तीनों साइकिल बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। और फिर अगर आप उठ करके बैठेंगे, लेकिन अगर हाँ आप सोएंगे ही 12 बजे के बाद 1 बजे, तो नेचुरल है आपकी साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है। और जहां साइकिल ही कंप्लीट ना हो तो नेचुरल है कि वो चार्जिंग हुआ नहीं है तो फ्रेशनेस नहीं है, और बार बार हमारा मन वो साइकिल कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए झुटका आना स्वाभाविक है। तो संतुलित शयन जागरण इसलिए कहा जाता है ताकि मेडिटेशन करने के लिए जब आप बैठो तो इतना फ्रेश माइंड से बैठो। आप 4 बजे जब आप उठ करके मेडिटेशन में बैठते हैं तो उस समय इतना फ्रेश महसूस होता है। दूसरी बात, उसके पीछे जो साइंस है वो साइंस यह है कि जिस तरह हमारी सोने की 1 साइकिल है और हम लोग सोते हैं, आप देखेंगे कि जैसे ही अंधेरा होता है उसके बाद आपकी बॉडी सिग्नल देना चालू करती है कि उबासी आती है। स्वाभाविक है 8-9 बजे आपको उबासी आएगी या 10 बजे तक तो उबासी आती ही है।
यानी ये बॉडी सिग्नल देना चालू करती है कि अब सोना है। क्यों ये सिग्नल देती है? लेकिन जब सिग्नल देती है तो कई लोग क्या कहते हैं, पता नहीं क्यों सुस्ती आ रही है, एक कप चाय पी लो, एक कप कॉफी पी लो। अब एक कप चाय या एक कप कॉफी क्या करता है? तो एक कप चाय या एक कप कॉफी ऐसा है जैसे घोड़ा अगर थोड़ा स्लो हुआ चलने के लिए, सुस्त हुआ और उसको हमने 3 चाबुक मार दी तो घोड़ा दौड़ना चालू करेगा, या 6 चाबुक मार दी तो दौड़ेगा, एकदम फास्ट दौड़ेगा। ठीक इसी तरह मन शांत होने लगा, जैसे ही उबासी दिया उसने, सिग्नल दिया मुझे सोना है, और आपको लगा क्यों इतना जल्दी सिग्नल मिल रही है, और एक कप चाय पिया तो एक कप चाय माना 3 चाबुक मन रूपी घोड़े को मारना, और एक कप कॉफी माना 6 चाबुक मारना। तो जब मन रूपी घोड़े को 3 चाबुक लग गई या 6 चाबुक लग गई तो बहुत तेजी से भागना चालू करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो फिर थोड़ा स्लो होता है कि फिर एक कप चाय पिया, कई लोगों को इसलिए रात भर में चाय पीने की बहुत आदत होती है, 2-3 बार पी लेते हैं, तो जब रात को भी पिएंगे, दिन को भी पिएंगे, और इस तरह से घोड़े को दौड़ाते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक इसी तरह मन भी आप दौड़ाते रहो और उसको जरा भी स्लो डाउन नहीं करो, उसको रेस्ट नहीं दो, उसको भोजन नहीं दो, तो नेचुरल है वो भी क्या करेगा, कोलैप्स होगा। इसीलिए कई लोग फिर डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। क्यों डिप्रेशन आया? तो उसका कारण है कि जो स्लीप साइकिल है उसकी डिस्टर्ब हो गई, जिसको आज की भाषा में कहते हैं इंसोमिया आ गया, नींद नहीं आ रही है, और इसीलिए जब नींद आना बंद हो जाती तो गोलियां डाल करके हम ट्रैंक्विलाइजर्स ले लेकर के नींद लाने की कोशिश करते हैं। इससे तो पहले ही बैलेंस में चले ना, पहले से ही बैलेंस में अगर चलेंगे कि 10 माना बस और 10 बजे रात को सो जाओ, 12 बजे तक एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, 12 से 2 में दूसरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, 2 से 4 में तीसरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, 6 घंटे की एकदम आइडियल नींद इसीलिए माना जाता है, और उस समय आप जब सो करके उठेंगे तो एकदम फ्रेश हो करके जब बैठते हैं तो मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है। 4 बजे क्यों मेडिटेशन करना चाहिए? कई लोग कहते हैं क्यों 6 बजे नहीं कर सकते हैं, 8 बजे नहीं कर सकते हैं, या जब उठे 10 बजे उठे तो 10 बजे मेडिटेशन नहीं कर सकते, 4 बजे का महत्व क्या है? तो जिस तरह हम लोगों की एक साइकिल है दिन और रात की, ठीक इसी तरह ये प्रकृति की भी एक साइकिल है, नेचर की भी एक साइकिल है, और वो साइकिल क्या है कि शाम को जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है और अंधेरा होने लगता है तो पेड़ पौधे भी अपनी साइकिल चेंज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना चालू करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन रिलीज करते थे, जैसे ही शाम हुई अंधेरा होते ही प्रकृति भी ऑक्सीजन लेना चालू करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, वो भी अपनी साइकिल चेंज करती है। इसीलिए आप जानते हैं कि पहले के समय में कोई छोटा बच्चा अगर रात को फूल तोड़ने जाता है बाहर तो माँ बाप उसको मना करते, बेटा फूल नहीं तोड़ने का, अगर बच्चा पूछे क्यों तो माँ बाप यही कहते पेड़ पौधे सो गए माना दे हैव चेंज देयर साइकिल, वो सो गए। और सुबह 4 बजे जैसे ही भोर होने लगती है तो भोर होते ही वो अपनी साइकिल पुनः चेंज करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेना चालू करते हैं, और वो समय में
4 बजे जो वो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है वो अमृत के बराबर होती है, इट इज लाइक नेक्टर। इसीलिए पहले के जमाने में कहा जाता था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। विजडम बढ़ती है। हमारे भारत में भी ये कहा जाता था बच्चों को कि रात को देर तक नहीं सो करके पढ़ो, रात को देर तक पढ़ करके नहीं सो, जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठना, और सुबह जल्दी उठ करके आप पढ़ेंगे तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी और आपको सब याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? क्योंकि उस समय जो प्रकृति फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करती है, विच इज लाइक नेक्टर, वो अमृत के बराबर है, और उस समय में अगर कोई व्यक्ति पढ़ता भी है तो उसको सारी एब्जॉर्ब हो जाती है वो पढ़ाई भी, और उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है, क्योंकि उस समय जो विजडम को गैदर करने का जो अमृत है वो उस समय ही मिलता है। इसलिए पहले के ऋषि मुनि भी सुबह सुबह उठ करके ध्यान करते थे, और जब ध्यान करते मेडिटेशन करते हैं तो उस मेडिटेशन का भी ये सिंपल एक फंडा है कि आरंभ करते हैं ओम की ध्वनि से। बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी शुरू में ओम की ध्वनि कराते थे। ओम की ध्वनि करने से क्या होता है, इनहेल एंड एक्सहेल बहुत सहज होता है, कि जैसे ही हम ओम करते हैं तो अंदर के जो सारी रात भर की जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है, और हम ओम जब उच्चारण करते हैं तो उस समय हम फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। और आपको कभी भी अगर नींद आती हो मेडिटेशन के समय या अमृत वेले, उस समय आप थोड़ी देर के लिए ओम का मंत्र का उच्चारण करो बहुत डीपली, ओम ऐसे भीतर से आप ले, तो अंदर से सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे जो आपके ब्रेन के लिए टॉनिक है। सुबह सुबह का ऑक्सीजन जो है ब्रेन के लिए टॉनिक है, और आप कम से कम 5 मिनट भी ओम का उच्चारण करके अगर बैठेंगे तो उसके बाद आपको कभी नींद नहीं आएगी, पूरा 1.5 घंटा मेडिटेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप फील करेंगे कि जैसे आज मैं इतनी फ्रेश हूं, उसके बाद भी आपको सोने का मन नहीं करेगा। कई लोग हमें पूछते हैं मेडिटेशन करने के बाद सो जाना चाहिए नहीं सोना चाहिए, वैसे तो मेडिटेशन करने के बाद इतने फ्रेश हो जाते हैं उसको नींद नहीं आती है। हाँ, अगर कोई बीमार है, शारीरिक रीति से तकलीफ है तो नेचुरल है कि वो लेट जाता है, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद इतनी फ्रेशनेस जो उसके अंदर आती है, भले लेटा रहेगा लेकिन उसको नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए मेडिटेशन करने की यही विधि है जो गीता के अंदर बताई है कि शयन जागरण संतुलित हो, जागना भी नेचुरल होना चाहिए और सोना भी नेचुरल होना चाहिए। जब यह सोना और जागना हमारा नेचुरल हो जाता है तब बहुत अच्छा मेडिटेशन एक क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो शांत अंतकरण, भय रहित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को आसन लगा करके सीधा बैठना और अपने कर्मेंद्रिय को, मन कर्मेंद्रिय और हमारे कर्मों को हम संयमित रखें, डिसिप्लिन में रखें, और फिर निराकार परमात्मा में मन बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र करना है और इस तरह से मेडिटेशन करना है। शुद्ध भावना हृदय के अंदर प्रवाहित हो सबके प्रति, और फिर यह योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। माना ये है कंप्लीटनेस ऑफ अ योगा, है ना। जो मेडिटेशन है
उस मेडिटेशन के लिए ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट टेक्निक है, रियल टेक्निक। फिर आगे उसका अनुभव क्या होता है, उस अनुभव को स्पष्ट किया है कि जैसे वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्योति चलायमान नहीं होती, वेवर नहीं होती है, लौ सीधी ऊपर जाती, एकदम सीधी ऊपर जाती है, वैसे योग अभ्यास द्वारा जब हमारा चित्त वश में है, हमारा चित्त शांत है, हमारे वश में है, और योगी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, उस समय मेडिटेशन का फंडामेंटल बेस है आत्म स्वरूप में स्थित होना, यानी सोल कॉन्शियसनेस। तो योगी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो तब वह योग युक्त कहलाता है, वह जैसे उस योग में समाया हुआ, उसमें कंप्लीटली एनग्रॉस्ड कहा जाता है। ये इसका प्रथम अनुभव बताया गया है कि ये जैसे बैठते ही सोल कॉन्शियसनेस में बैठे आप, तो आपका मन एकदम स्थिर हो जाता है। ये किसकी, ऐसे योगी की जो पहले बताया, जो इस तरह से आसन लगा करके बैठते हैं, ऐसे योगी के लिए ये बेस है। उसके बाद आगे बहुत सुंदर भगवान अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, जब इस तरह से योग अभ्यास द्वारा, और आगे इसका अनुभव क्या हो सकता है, तो कहा इस योग अभ्यास द्वारा, ऐसे जब विधि से योग अभ्यास करता है तो योगी भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है। भौतिक क्रिया किसको कहा, जो योगासन लगाते हैं, अलग अलग आसन करेंगे तो न इसमें और अलग अलग आसन लगाना है, और न मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया यानी कई लोग जैसे मंत्र जाप करते हैं, के सोचते हैं मन को ईश्वर में एकाग्र करना है, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, तो ये मानसिक क्रिया हो गई। तो या तो फिजिकल, कई लोग जैसे माला लेकर के बैठते हैं, माला जाप करो, तो न भौतिक क्रिया। इस तरह से जो मेडिटेशन करता है, बहुत स्पष्ट गीता में कहा, न कोई भौतिक क्रिया करनी है, न मानसिक क्रिया। कि कई लोग जैसे पेंडुलम हिलता है तो पेंडुलम को देखते रहो, माना ये सारी क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। इतना स्पष्ट गीता में मेडिटेशन की रियल टेक्निक बताई है, और यही कहा कि इस योग अभ्यास द्वारा योगी भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है। न मन को हमें दबाव में लाना है कि भाई मन को, मन के विचारों को दमन करो, ना दमन नहीं करना है, है ना, न मन मन को थॉटलेस बना देना है, नहीं, थॉटलेस भी सोल कॉन्शियसनेस में। कितना सुंदर स्पष्ट विधि बताए, सोल कॉन्शियस होकर क्या बैठो, है ना, और न कोई जाप करना है, न कोई ऐसी क्रिया करनी है कि भाई मैं माला फेरू, मैं ये करूं, मैं ये करूं, नहीं, ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर उसमें बताया है आगे कि किस तरह से हमें योग अभ्यास को परफेक्शन की ओर ले जाना है। पहले वाली स्लाइड, तो परफेक्शन की ओर ले जाना है, तो उसके लिए कहा कि मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है एवं विशुद्ध मन, मन के अंदर शुद्धि, विशुद्ध मन होना चाहिए। विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। आगे क्या अनुभव होता है, जैसे आप सोल कॉन्शियस होकर के बैठते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, तो अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एक आत्म तृप्ति का अनुभव, और इतना आनंद की स्थिति, जिसको कहा अति इंद्रिय सुख। फिर भगवान कहते, इस सत्य स्वरूप में स्थित,
इस सत्य स्वरूप यानी सोल कॉन्शियसनेस जो है इस सत्य स्वरूप में स्थित सर्व प्राप्ति स्वरूप, जब परमात्मा में मन को एकाग्र करेंगे तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अंदर पावर्स भी मिलेंगी, क्वालिटीज भी प्राप्त होंगी, सर्व प्राप्ति स्वरूप किसी भी प्रकार के दुख से विचलित नहीं हो सकता। कोई भी दुख की घटना भी आ जाए तो दुख की घटना उसके मन को वेवर कर दे, विचलित कर दे, बहुत ज्यादा उसको फ्लक्चुएट होने लगे, अपहीवल्स में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कहा इस योग का दृढ़ निश्चय एवं धैर्यता से अभ्यास करने से साधक सफल हो जाता है। डेफिनेटली इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आज बैठे मन आपका मन एकदम लग ही जाएगा और ये अनुभव हो जाने लगेगा, नहीं। लेकिन दृढ़ निश्चय, दृढ़ता के साथ और धैर्यता, थोड़ा टाइम लगता है। डिपेंड्स कि कितना समय लगता है, डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, है ना। तो धैर्यता थोड़ी रखनी पड़ती है, लेकिन जितना ये अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितना इसकी प्रैक्टिस होती जाएंगी इस तरह से मेडिटेशन की, तब जाकर के सफलता जरूर मिलेगी। ये हो नहीं सकता कि सफलता न मिले। फिर आगे भगवान बहुत सुंदर कहता है, इतनी डाउन टू अर्थ और प्रैक्टिकल बात बताता है अर्जुन को, जो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है समझना, कि भगवान कहते हैं मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण यदि इधर उधर विचरण करता है, नेचुरल है, मन का स्वभाव है, एकाग्र होते होते फिर कुछ बात याद आ जाएंगे, फिर कुछ बात याद आ जाएंगे, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये आरंभ में होगा, मन की चंचलता है। और इसलिए मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण यदि इधर उधर विचरण करता हो तो उसे वहां से पुनः वापस ले आए, कोई बात नहीं। अगर मन चला गया तो आप पैनिक नहीं हो जाओ कि अरे मेरा तो मेडिटेशन लगेगा ही नहीं, क्या हो गया मेरे को, ये क्यों होता है मेरे साथ, नहीं, कोई बात नहीं, जाएगा इनिशियली, क्योंकि आपने कभी उसको एकाग्र करने का अभ्यास नहीं किया तो वो जाएगा। लेकिन उसको वापस ले आओ, पुनः वापस लाए और अपने वश में करे, फिर से उसको सोल कॉन्शियसनेस में स्थित करो तथा फिर से परमात्मा में लगाओ। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, बार बार जाएगा मन, कोई बात नहीं, वापस ले आओ, बार बार उसको एकाग्र करो। इस प्रकार निरंतर योगाभ्यास में रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्म भी बहुत इफेक्ट करते हैं, बहुत पाप कर्म का इकट्ठा बर्डन है हमारे ऊपर, तो वो पाप कर्म भी मन को विचलित करेगा। लेकिन जब ऐसे बार बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन आता जाएगा और तब आत्मा उस मेडिटेशन के द्वारा जैसे पापों को भी भस्म करता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं परमात्मा के सानिध्य में ऐसा महसूस करेगा जैसे ईश्वर के सानिध्य में है। ईश्वर के सानिध्य माना उसकी क्लोजनेस, परमात्मा की क्लोजनेस को एक्सपीरियंस करेंगे। सानिध्य में अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद का अनुभव करता है और सर्व के प्रति आत्मभाव, दूसरे को भी देखेंगे तो आत्म दृष्टि से देखेंगे, ये भी आत्मा है, उसके भी भ्रुकुटी में देखेंगे ये भी आत्मा है, तो आत्मभाव को जागृत करेगा। फीलिंग्स हर आत्मा के प्रति इतनी प्योर एंड पॉजिटिव हो जाएगी, तो आत्मभाव को विकसित कर वसुधेय कुटुंबकम की भावना को जागृत करता है और एक यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी या यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। जैसे हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है,
तो सबके प्रति उसके भावना जो है बहुत सुंदर हो जाती, पॉजिटिव हो जाती, किसी के प्रति भी नेगेटिव भावना नहीं होती। और फिर आगे अर्जुन के कुछ सवाल भी है तो वो भगवान से सवाल करता है, अर्जुन हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, हठी है और बलवान है, इतना बलवान है कि उसको बार बार खींचो तो भी भाग जाता है। तो अर्जुन अपनी डिफिकल्टी बताता है मेडिटेशन के लिए, जो हम सबकी डिफिकल्टी होती है इनिशियली, कि ये मन बड़ा चंचल है, हठी है, वो लाने पर भी आता नहीं है और बलवान है, इसे वश में करना वायु की भांति, माना जैसे विंड को पकड़ के रखना वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं। तो भगवान क्या कहते फिर उसका जवाब है ना, तो भगवान कहते हैं अर्जुन निसंदेह मन चंचल है, निसंदेह मैं जानता हूं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास करने से और वैराग्य, जितना तुम्हारे अंदर आकर्षण होगा, मन को आकर्षण जैसे बार बार वो अट्रैक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, तो वैराग्य जरूरी है। तो वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है, धीरे धीरे होगा। इसलिए परमात्मा भी एडमिट करते हैं कि मैं मानता हूं कि निसंदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में भी हो जाता है। फिर कहा मन को वश न करने वाले पुरुष के लिए, जो प्रैक्टिस ही नहीं करते, जो मन को डिसिप्लिन ही नहीं करते, उसके लिए योग कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले पुरुषार्थी के लिए, जिसने सेल्फ डिसिप्लिन किया हुआ है और अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको डिसिप्लिन किया है, तो स्ववश मन वाले पुरुषार्थी के लिए योग सहज भी है। जो अपने मन को कंट्रोल करना नहीं चाहते, डिसिप्लिन करना नहीं चाहते, उसके लिए तो कठिन है ही है। उसका अट्रैक्शंस अगर बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा है तो फिर उसको मन को वश करना बहुत कठिन है। लेकिन जो बार बार अभ्यास करता है और सेल्फ डिसिप्लिन करता है, उसके लिए ये मेडिटेशन सहज भी है। फिर आगे और एक प्रश्न अर्जुन का रहता है, जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है, और उसका जवाब भगवान क्या देता है। तो आगे का प्रश्न है कि हे भगवान, असफल पुरुषार्थी, मान लो कि कोई पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन असफल हो जाए, जिसके योग में श्रद्धा है पर अंत समय शरीर छोड़ते वक्त मन विचलित हो गया है, तो वह योग सिद्धि के बजाय किस गति को प्राप्त होता है, वो कौन सी गति को प्राप्त होगा, क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है। कि मान लो कि मेरी श्रद्धा है, मैं पुरुषार्थ भी कर रही हूं, लेकिन अंतिम घड़ी मेरा मन विचलित हो जाए और उसमें मेरा शरीर छूट जाए, तो मुझे किस गति को प्राप्त होना होगा। कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है उसने, तो भगवान ने बहुत सुंदर उसका जवाब दिया है और कहा कि हे अर्जुन, पुरुषार्थी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, पुरुषार्थी जो है वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन वो पुनर्जन्म लेकर के, पुनर्जन्म पा करके अपने पूर्व जन्म के दैवी संस्कारों को जागृत करता है। मानो शरीर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, उसका पुरुषार्थ आधा रह गया, कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो जहां जन्म लेता है, पुनर्जन्म लेकर के वहां पर उसके दैवी संस्कारों को जागृत करता है और योग अभ्यास के मार्ग पर वापस अट्रैक्ट होता है। जो हम कई बार देखते हैं छोटे बच्चे
जिनको किसी ने सिखाया नहीं होता है, लेकिन उनको जैसे मंदिर में जाना, वहां बैठ करके भगवान की तरफ देखना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो कहते कोई बहुत अच्छी सोल आई है हमारे घर में, चंचलता इतनी नहीं करता है। तो इसीलिए कहा कि वो अपने पूर्व जन्म के दैवी संस्कारों को जागृत करता है और योग अभ्यास के मार्ग पर आकर्षित होता है, उस माँ बाप को भी आकर्षित करता है। और जो योगी नियम पूर्वक समस्त पापों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से प्रगति करता है, वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए वो इधर उधर नहीं जाता है, वो अच्छे घर में जन्म लेता है जहां उसको स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर मिलता है और ऐसी श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त करता है। तब भगवान कहते योगी पुरुष तपस्वियों ज्ञानियों तथा सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, तुम योगी बन। अब युद्ध का मैदान है और वहां उसको कहते हैं कि तुम योगी बनो, तो वो योगी बनेगा या युद्ध करेगा? तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का संघर्ष में विजयी होना है तो योगी बन करके ही विजयी हो सकते हैं। तपस्या और ज्ञानियों खाली नॉलेज हासिल कर लेना काफी नहीं है, ज्ञानी खाली नहीं बनना है। तो इसीलिए कहा योगी पुरुष ज्ञानियों तपस्वियों तथा सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन और समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण करो, बहुत दिल से योग को अभ्यास में लाओ। तो ये श्रेष्ठ गति बताई कि कोई भी पुरुषार्थी असफल नहीं होता है, उसकी अधोगति नहीं होती है, लेकिन वो जहां जन्म लेता है वहां पुनः अपने दैवी संस्कारों को जागृत करके योग मार्ग पर अग्रसर होता है और उसका जो पुरुषार्थ है उसको कंप्लीट करता ही है और उसकी गति श्रेष्ठ होती ही है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी योगी बनने की प्रेरणा दी। फिर सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग स्पष्ट करते हैं और भगवान अर्जुन से कहते परमात्मा सर्व में श्रेष्ठ परम पुरुष परम सत्य है, महात्मा जन श्रद्धा पूर्वक उसकी शरण लेते हैं, लेकिन पतित जन पूजा की अन्य वस्तुओं के तरफ अपने मन को मोड़ लेते हैं। यहां बहुत सुंदर स्पष्ट बात की है इस अध्याय के अंदर, प्रथम श्लोक से लेकर सातवें श्लोक तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय लिया है, आठवें श्लोक से लेकर बारहवें श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों के कारण रूप से परमात्मा की श्रेष्ठता का कथन किया गया है, तेरहवें श्लोक से लेकर उन्नीसवें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा की है, बीसवें श्लोक से लेकर तेईसवें श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय लिया गया है और चौबीसवें श्लोक से लेकर तीसवें श्लोक तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा की गई है। इस तरह भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है, सब नहीं करता है। आज करोड़ों लोग हैं, लेकिन स्पिरिचुअल माइंडेड कितने हैं? बहुत कम। तो हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है, एफर्ट्स करता है, और उसमें भी कोई विरला ही जानता है, कोटों में कोई में भी कोई, जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित हो जाता है। अनन्य, अनन्य का मतलब हिंदी में एक्चुअल है अन्य कोई नहीं, एक अनन्य, नन बट वन, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ परमात्मा। तो जो अनन्य भाव से इतना मन दिल का प्यार है,
तो अनन्य भाव से मेरे आश्रित होकर मेरे साथ योग लगाता है, वह सरलता से मेरे संपूर्ण स्वरूप को जान लेता है और माया को पार कर जाता है। वो माया में नहीं फंसता है, माया से भी पार हो जाता है। तो कितना सुंदर कहा कि हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला ही जान पाता है जो मेरी शरण को ग्रहण करता है और इस योग मार्ग पर चल करके सरलता से मेरे संपूर्ण स्वरूप को जान लेता है। यानी अब यहां सोचने की बात यह है कि अगर श्री कृष्ण कह रहा है अर्जुन को, तो श्री कृष्ण को तो वो बहुत अच्छे से जानता ही था, फिर श्री कृष्ण उसको ये क्यों कहे कि हजारों में कोई विरला जानने का प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला जान पाता है। आज कलयुगी दुनिया में भी श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता है, हर धर्म वाले बहुत अच्छी तरह से श्री कृष्ण को जानते, लॉर्ड कृष्ण कहते। तो यहां बहुत स्पष्ट है कि बोलने वाली शक्ति कोई और है, वो श्री कृष्ण नहीं है जो बोल रहा है कि हजारों में कोई विरला मुझे जानने का प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला जानता है। यहां इनडायरेक्टली अर्जुन को भी कहा गया है कि तुम भी मुझे नहीं जानते हो, इसलिए ये बात अर्जुन को कही गई है। और अनन्य भाव से जो मेरे आश्रित होकर के मेरे साथ योग लगाता है, क्योंकि इस समय अर्जुन का भी योग नहीं है, उसका योग भी मोह में फंसा है, मोहवश है। और इसीलिए भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित होकर मेरे साथ योग लगाता है, वह सरलता से मेरे संपूर्ण रूप को, मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या है उसको जान करके माया को भी पार पार, अर्थात ये मोह को भी नष्ट करके पार हो जाएगा। तो यहां इनडायरेक्टली अर्जुन को भी एक इशारा था कि तुम मुझे नहीं जानते हो। फिर आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन का जो प्रश्न होता है उसके पहले ही जैसे उसको कहते हैं कि प्रकृति पुरुष और परम पुरुष से ये संसार चक्र चलता है। ये संसार का खेल तीन सत्ताओं के बीच में है, पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी आत्मा, परम पुरुष यानी परमात्मा और प्रकृति। उसमें सर्वश्रेष्ठ मैं परम पुरुष हूं। अब यहां भगवान उसको क्लियर करके इशारा देते कि श्री कृष्ण नहीं हूं मैं कौन हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हूं, यानी परमात्मा बोल रहा हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मेरे जैसा इटर्नल ट्रुथ और कोई नहीं है, और मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूं, मैं सीड हूं, है ना, मनुष्य सृष्टि का सीड हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, इट्स नॉट अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है उन बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। बहुत सुंदर यहां ये बात कही है, भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी उसको नहीं पहचान रहा है, इसलिए कहा जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, माना जो स्पिरिचुअल माइंडेड है उनकी बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। प्रकृति के गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हो। अब श्री कृष्ण तो सात्विक प्रकृति के हिसाब से चल रहा था, तो इसलिए कहा यहां परमात्मा अपना संपूर्ण परिचय देकर कहते हैं सृष्टि का खेल तीन सत्ताओं के बीच चलता है, प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष, और उसमें मैं परम पुरुष सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, और जो धर्म के विरुद्ध नहीं है
ऐसे कि बुद्धिवानों की बुद्धि में हो, है ना। तो कितना सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन की ये बात जो है स्पष्ट की और परमात्मा ने अपना परिचय दिया। क्योंकि यहाँ पहले जो बात कही कि हजारों में कोई विरला प्रयत्न करते, यानी इनडायरेक्ट अर्जुन को भी ये इशारा था कि तुम भी मुझे नहीं जानते हो, तुमने भी मुझे पहचाना नहीं है, इसीलिए भगवान को अपना परिचय देना पड़ा कि मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। तो ये महावाक्य श्री कृष्ण के तो हो नहीं सकते। उसके बाद भगवान कहते हैं अर्जुन को कि माया के द्वारा जिनके क्यों नहीं पहचानते हैं लोग, भगवान को क्यों नहीं पहचानते, तो कहा माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है, those whose knowledge is kidnapped by माया, वो किडनैप हो गए हैं, तो माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है और जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश है, वे मनुष्यों में अधम दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़मती, माना अभिमानी, मूढ़मती का मतलब है अभिमानी, वो परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। उनको आप कितनी भी ज्ञान की बातें समझाओ, मेडिटेशन की बातें समझाओ, वो परमात्मा की शरण को ग्रहण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि किडनैप्ड हो गई है, माया ने उनकी बुद्धि को किडनैप कर लिया है और वो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए, आसुरी स्वभाव यानी 5 विकारों के अधीन हुए हैं। इसीलिए फिर आगे अर्जुन का एक सवाल है और कहते हैं कि फिर परमात्मा की शरण को कौन ग्रहण करता है। अभी इनडायरेक्ट वे में भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं तेरी बुद्धि भी माया के द्वारा प्रभावित है, उसको डायरेक्टली नहीं कहते, मोह के कारण तुम भी उसमें फंस गया है, माया ने तेरी बुद्धि को भी किडनैप किया हुआ है। तब अर्जुन कहता है फिर परमात्मा की शरण को कौन ग्रहण करता है। तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के पुण्य आत्मा परमात्मा को याद करते हैं, बहुत दिल से याद करते हैं। अब ये 4 प्रकार के पुण्य आत्मा कौन से है जो याद करते हैं भगवान को? तो पहले है जिसको कहते आर्त। आर्त माना जो विपदा ग्रस्त या पीड़ित है, जो बीमार है, जो बेड में है, वो दिल से भगवान को याद करते हैं, ये प्रभु बचाओ या मदद करो, या ये प्रभु हमारा दुख हरो, बहुत दिल से वो लेटे लेटे भगवान को याद करते हैं, तो उसको कहते आर्त। दूसरे प्रकार के लोग हैं जिसको कहते अर्थार्थी। अर्थार्थी माना बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन बिजनेस करने जब जाते हैं तो दुकान में जाते पहले भगवान की पूजा करेंगे, खास करके लक्ष्मी की पूजा करेंगे कि आज का दिन बहुत सारा धन आए, और दिल से याद करते हैं वो भी, भले मतलब से याद करते, स्वार्थ से याद करते, लेकिन दिल से करते हैं। तो अर्थार्थी अर्थात जो लाभ की इच्छा रखने वाला है। तीसरे प्रकार के जो भगवान को प्यार से याद करते हैं वो है जिज्ञासु, जो ज्ञान के जिज्ञासु है, ज्ञान की इच्छा रखते हैं, समझना चाहते हैं। और चौथे प्रकार के हैं ज्ञानी, जो अध्यात्म को यथार्थ जानने वाले, जो स्पिरिचुअल माइंडेड है। तो ये 4 प्रकार के पुण्य आत्मा है जो परमात्मा को याद करते हैं या परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। अब अर्जुन इसमें अपने आप को देख रहा है कि मैं कहाँ हूं, तो वो देख रहा है, इनडायरेक्टली विजुअलाइज कर रहा है कि वो चारों में से कहीं नहीं है, ना तो वो बीमार है, ना तो वो बिजनेस करने वाला है, ना उसके अंदर जिज्ञासा है ज्ञान की, और ना स्पिरिचुअल माइंडेड है जो भगवान को सहजता से, तो थोड़ा उसको सिग्नल मिलना कि भाई वेयर डू आई स्टैंड, है ना। तब फिर आगे भगवान कहते हैं उसको,
बहुत सुंदर बात कही है। और भगवान कहते हैं निसंदेह ये सब श्रेष्ठ भाव वाले ही है, परंतु जो परम ज्ञानी और परमात्मा प्यार में समाया हुआ है इन सबसे भी ऊपर कौन है? तो कहा जो भगवान से प्यार करते हैं, परमात्मा से प्यार करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वो भगवान से प्यार करते तो भगवान कहते मैं भी ऐसी आत्माओं से प्यार करता हूं, किसे? जिसके अंदर परमात्मा के प्रति प्यार समाया हुआ है, उसे मैं अपने समान मानता हूं, भगवान उसको भी अपने समान मानते, इसलिए उसको कहते बाप समान। भगवान ऐसी आत्मा जो निरंतर परमात्मा प्यार में समाई हुई है उससे अपने समान मानता है, कितना रिस्पेक्ट देता है, कितना रिगार्ड देता है, क्योंकि वह निश्चय बुद्धि होकर मेरी मत में स्थित रहता है। इतना फेथ उनको मेरे पर होता है कि वो मेरी ही मत में, मैं जो मत देता हूं, श्रीमत देता हूं, उस श्रीमत को पालन करता है। वह बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा जो योगी होता है वो मेरी शरण में जरूर आ जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई है ऐसा महात्मा। फिर आगे भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, यहां समझने वाली बात है जो अर्जुन को भगवान ने समझाई है कि जिनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जो डिजायर्स, कि जिनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा मारी गई है उनका क्या हाल होता है? जो इच्छाओं को लेकर के जीते हैं वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। देखो भगवान की शरण में नहीं आते तो वो कहां जाते? तो वह देवताओं की शरण में जाते अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा जैसा जिसका जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। कहीं हनुमान के मंदिर में जाएंगे, कहीं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहीं उसके मंदिर लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएंगे। तो जैसे जिसका स्वभाव होता है तो वो उसी अनुसार पूजा का विधि विधान अपनाते हैं। कई लोग आप देखेंगे भक्त होते हैं लेकिन वो भक्त बहुत नहा धो करके स्वच्छ होकर के पूजा करेंगे, उसको कहा जाता है सात्विक पूजा। नहा धो करके शुद्ध होकर के बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं। कई होता है वो क्या कहते हैं, भगवान तन थोड़ी देखता है, मन साफ होना चाहिए, तो वो नहाते हैं, नहीं नहाते हैं और बस चले जाते हैं मंदिर में, यही सोचते हैं भगवान मन को देखता है। वो राजसिक लोग हैं, और तामसिक लोग क्या करते हैं, बाहर से ही, कई बार आपने देखा होगा कई लोग इंडिया में मंदिर के अंदर भी नहीं जाते, मंदिर के बाहर ही खड़े रहते हैं और दूर से ही ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया और चल दिए, है ना? इसको क्या कहेंगे? वो कहते हम कहीं भी है भगवान हमारी जो भावना है स्वीकार कर लेती, हमें मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा स्वभाव है, तामसिक है, राजसिक है या सात्विक, उस अनुसार पूजा का विधि विधान पालन करते। सात्विक भक्त जो होते हैं नहा धो करके वो भगवान के मंदिर को भी साफ करेंगे,
देवताओं के मूर्तियों को भी साफ करेंगे, एक एक को धोएंगे, उनको घंटा लग जाता है पूजा करने में। और आजकल के लोग, अरे सब ठीक है चलो फटाफट, टाइम नहीं है, है ना, फूल रख दिया, दिया बत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी, हो गई पूजा, ये कहेंगे। और तीसरे प्रकार के लोग बाहर से ही, एक बार हम खड़े थे कहीं कहीं जाना था हमको, तो जो हमें पिकअप करने वाले थे तो कहा वहां हनुमान जी का मंदिर है, आप वहां आकर के खड़े हो जाओ तो हम आपको वहां से पिकअप कर लें। मैंने कहा ओके, तो मैं वहां खड़े हो गई, हनुमान जी के मंदिर के बाहर खड़ी हो गई, तो मैंने देखा कि तीन लड़के आए बाइक पर, वहां बाइक खड़ी किया 2 मिनट और बाहर से ही हाय हनु और चल दिए। तब उसको कौन से प्रकार की पूजा कहेंगे, हाय हनु करके चल दिए, है ना, तो क्या कहेंगे इसको, क्या ये श्रद्धा है, ये पूजा है? तो भगवान को प्राप्ति तो नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिनको इच्छाएं होती है ना, वो कहाँ जाते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं। और वहां एक बहुत सुंदर बात भगवान आगे कहते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है, स्लाइड में देखो, किंतु भगवान कहते हैं वास्तविकता तो यह है कि यह सारी प्राप्ति मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, कराने वाले वो देवता तो है नहीं, वो तो जन्म मरण के चक्र में है। तो वास्तविकता तो यह है कि सारी प्राप्ति उनकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला तो मैं ही हूं, भले वो देवताओं को याद कर रहे लेकिन फिर भी उनकी सारी प्राप्ति तो मेरे द्वारा प्रदत्त है। लेकिन अल्पज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं तो प्राप्त होने वाला फल भी डायरेक्ट नहीं है, इसलिए उनको जो फल प्राप्त होता है वो फल भी सीमित, बहुत लिमिटेड और क्षणिक, टेम्पररी प्राप्त होता है देवताओं के द्वारा। तो भगवान की शरण में कौन जा सकता है और देवताओं की शरण में कौन जाता है, यहां बहुत स्पष्ट एक क्लियर डेफिनेशन भगवान ने दे दिया। ये मेरी शरण में कौन आता है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे जानता है, ज्ञान के आधार पर जिसने मुझे समझा है, मुझे जानता है, वो मेरी शरण में, और जो मुझे प्यार से याद करते वो मेरी शरण में आते हैं, और बाकी लोग देवताओं के पास जाते हैं। और फिर जैसे जैसे उनकी मनस्थिति होती है वैसी वैसी पूजा का विधि विधान अपनाते हैं। फिर आगे अर्जुन का प्रश्न है जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है। तो अर्जुन पूछता है भगवान को, परमात्मा को मनुष्य क्यों नहीं जान पाते, भगवान को क्यों नहीं जान पाते? तो भगवान कहते, संसार के संपूर्ण प्राणी इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद से उत्पन्न मोह से ग्रस्त है। अब यहां डायरेक्ट इशारा अर्जुन को है कि तू भी मोह ग्रस्त है, इसलिए वे मुझे नहीं जानते। जो मोह के वशीभूत है वो मुझे कभी नहीं जान सकते, इच्छाओं के वशीभूत है। तो भगवान इसलिए जवाब दिया, संसार के संपूर्ण प्राणी इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेष आदि द्वंद से कंफ्यूजन है और उसमें भी मोह है और मोह से ग्रस्त है, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते। तो अर्जुन कहता है फिर, और आगे भगवान कहता है, क्या कहते हैं भगवान, बुद्धिहीन मनुष्य, बुद्धिहीन जिसके अंदर समझ नहीं है, तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष को, क्योंकि मैं अव्यक्त हूं, व्यक्त नहीं हूं, तो मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं व्यक्त में हूं, देवताओं के रूप में मुझे ढूंढते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मोह में फंसे हुए हैं। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष, मैं निराकार हूं, यहां स्पष्ट कह दिया, व्यक्त मना ये व्यक्ति,
तो व्यक्ति नहीं हूं मैं, अव्यक्त, मन व्यक्त शरीर से ऊपर हूं, उसको भी क्या समझ लेते, व्यक्त भाव वाला समझ करके प्राप्त हुआ मानते हैं वे। मुझ अजन्मा अविनाशी सर्वोत्तम को नहीं जानते, क्योंकि मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान ने स्पष्ट कह दिया मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, फिर कहा मैं इनके अर्थात जिस बॉडी में है, जिसके शरीर में है, अवतरित हुए अजन्मा है, तो अजन्मा किसके तो तन में आएंगे, तो इनके तीनों कालों को भूत वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। यानी स्पष्ट है यहां से कृष्ण नहीं बोल रहा है, जब वो भगवान कहते मैं अजन्मा हूं और मैं इनके भी मनसी कृष्ण के भी तीनों कालों को जानता, तो वो कौन है फिर? तब अर्जुन का आगे का प्रश्न सुनो फिर। तो जब ये बात भगवान ने कही कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं, और इसलिए कहा मैं अजन्मा हूं और मैं इनके भी तीनों कालों को जानता हूं, तब अर्जुन का प्रश्न है कि परमात्मा को कौन जान पाते हैं, कौन जानता है फिर? तो भगवान कहते जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। पुण्य कर्म करने से जितना व्यक्ति पुण्य कर्म करता जाता है, इसके कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि गीता में कहा है पुण्य कर्म करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इधर भ्रष्टाचार करेंगे, बुरे रास्ते से धन कमाएंगे और कहेंगे इतना हिस्सा दान कर दो, भाई 10% दान कर दिया तो मैं उस पाप से मुक्त हो गया। भगवान ने ये बात नहीं कही है, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जब अर्जुन को पूछा कि परमात्मा, अर्जुन पूछते परमात्मा को कौन जान पाते हैं, भगवान कहते जो सदा पुण्य कर्म करने वाले हैं, और पुण्य कर्म करके योग अभ्यास के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए, और राग द्वेष के द्वंद से, जो राग द्वेष यानी जो मन के अंदर बुरी भावनाएं हैं, मोह है, द्वेष भावना है, क्रोध है, इस द्वंद से जो मुक्त हो गया, द्वंद के मोह से मुक्त होकर अपने व्रत में दृढ़ रहकर, अब यहां व्रत का मतलब क्या है, अपने व्रत में दृढ़ रहना माना ब्रह्मचर्य व्रत। तो ब्रह्मचर्य शब्द आगे काट दिया है लोगों ने और खाली व्रत रख दिया है, और इसलिए कई लोग क्या सोचते हैं व्रत करना चाहिए, भगवान ने गीता में कहा है कि व्रत करना चाहिए तो उसको जान सकते हैं, लेकिन कौन सा व्रत? कोई स्थूल व्रत की बात नहीं, कोई उपवास या व्रत की बात नहीं है, लेकिन यहां भक्ति मार्ग में या गीता में से खाली व्रत शब्द रख दिया, आगे ब्रह्मचर्य व्रत जो आता है वो ब्रह्मचर्य शब्द को काट दिया, क्योंकि प्योर रहना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, कहा जो मोह से मुक्त होकर अपने व्रत में दृढ़ रहकर मुझ में अपने मन को एकाग्र करते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहता है उसका मन सहज एकाग्र हो जाता है, वे अंत में संपूर्ण आध्यात्म, दिव्य कर्म, भौतिक जगत, देवताओं और यज्ञ के विधियों का नियंत्रक मुझे जान जाते हैं, कि वो सहजता से मुझे सारी स्पिरिचुअलिटी को भी समझ लेता है, दिव्य कर्म कैसे करना है, ये भौतिक जगत क्या है, देवताएं कौन है, और यज्ञ के विधियों का नियंत्रक मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है, भगवान कहते उसको भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और इस तरह से इस अध्याय के अंत में ये बात भगवान ने कही, परसों हम आगे देखेंगे 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, के भगवान सब योगों का पर, भगवान योग विज्ञान पर बल देते हैं और इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं
कि व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी जो आस्था होती है वैसे उसकी गति होती है। तो आठवें अध्याय को हम अच्छी तरह से परसों समझेंगे कि आठवें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग किसको भगवान ने कहा और कैसे उस योग को हमें आगे जो सवाल है अर्जुन के, वो सात सवाल अर्जुन के पूछे गए हैं जो इस अध्याय के अंत में बताया कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवताएं क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, ऐसे सात सवाल पूछे हैं जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो वो सात सवाल का इतना स्पष्ट जवाब भगवान ने दिया है वो आगे परसों देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।